वंदे मातरम दोस्तों, दिस इज अविनाश सिंह. द फैक्ट्स ऑन डिमांड इज माय चैनल. द साउंड बिहाइंड द वीडियोस इज माय. यार एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. क्वाइट नर्वस इवन दो आई एम अलोन हियर इनसाइड द रूम. बट यार मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली, मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा था. बट स्टिल ओके, मैंने सोचा यार क्यों ना थोड़ा सा, मुझे पता है थोड़ा कॉमेडी टाइप का है. बट अभी अपियर होने का मेन रीज़न ये था कि यार मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहा था, बिकॉज टुडे आई एम वेरी हैप्पी. आई रिसीव ऑन मेल फ्रॉम यूट्यूब एंड दे मेल मी दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्रॉस अ माइलस्टोन ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स. यार मैंने बहुत लोगों को देखा कि फाइनली आई हैव क्रॉस्ड 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 50,000 सब्सक्राइबर. बट यार मुझे पता है थोड़ा सिली है, बट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे पता है यार मैंने बड़े हाथ पर जोड़े हैं 100 सब्सक्राइबर के लिए. अभी अबाउट 25-26 वीडियोस हैं मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप पे. भाई मोर देन 400-500 फ्रेंड्स हैं. आई यूज टू शेयर एवरीबडी माई कंटेंट माई वीडियोज यार, लेकिन बंदे यार कोई देखते नहीं है. मैक्सिमम व्यू मेरा 100 है, 16-17 यार. हर एक दोस्त कमीना होता है वाली बात हो गई है. तो चार लोगों के वीडियोस देखे मुझे अच्छे लगे, तो उनसे इंस्पायर्ड हुआ मैं. खासकर टेक्निकल दोस्त एक चैनल है हितेश भाई का, सो उनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गया. यार बंदा बड़ा जेन्युइन है, बड़ा नाइस है. सो मैं सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊँ, और मैंने भी कुछ वीडियोज़ डाले. इनिशियली ठीक ठाक ही आ रहे हैं यार, 100 सब्सक्राइबर हो गया और क्या चाहिए, खेल खेले मुझे पता भी नहीं था. बट हाँ, वन थिंग आई कैन शेयर विथ यू गाइस, कि जो खासकर जो सीरियस हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि यार कंसिस्टेंसी एंड द जेन्युइन कंटेंट इज़ द ओनली की टू गेट सक्सीड इन दिस प्रोफेशन. अगर आप कंसिस्टेंट हो, डेली किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक या दो वीडियो शेयर कर रहे हो और आपके कंटेंट ठीक हैं, तो डेफिनेटली वन डे यू विल बिकम लाइक बीबी की माइंस और टेक्निकल गुरुजी एंड नितेश भाई जैसे. सो यार मैं ये सब चीज़, अभी आप बोल रहे हो साला 100 सब्सक्राइबर हुआ नहीं, डायलॉग बाजी मारने लग गया. एक्चुअली यार मेरा एक चैनल बनाया हुआ था मैंने, उस समय आर्ट नाम से एक चैनल था, वैसे ही वो भी खेल खेल बनाया था अबाउट 1 ईयर पहले. तो उस पे मैंने, मुझे पता था नहीं, मैंने ऐसी फालतू वीडियोस डालने लग गया दूसरों के, जिसका ज़्यादा व्यू होता था डायरेक्ट कॉपी मारा और दूसरे डाल दिया एकदम ऐसा. तो हद तो तब हो गई यार, बाहुबली का ट्रेलर रिलीज हुआ था, 20-25 मिलियन व्यू थे. मैं सोचे क्यों ना मैं भी कमा लूँ यार. सो मैंने डायरेक्टली समझ गया ना, ट्रेलर कॉपी किया, और ट्रेलर अपलोड होने से पहले कॉपीराइट स्ट्राइक, 2-3 स्ट्राइक हुए, फाइनली चैनल बंद. यार बड़ा बुरा लगा मैं, यार क्या सीन है. उसके बाद मैं एक्चुअली रिसर्च किया, बट उसके बाद मेरे पास टाइम बचा नहीं था कि मैं वापस इस चैनल को कंटिन्यू करूं. फिर आफ्टर सो लॉन्ग मैंने 2-4 चैनल्स देखे, वीडियोस देखे, मैं सोचा यार फिर से स्टार्ट करता हूँ. वैसे ही फालतू बैठ के कोई काम तो होता नहीं है, लेट्स स्टार्ट. तो ऐसे खेल खेले मैंने स्टार्ट किया यार ये फैक्ट्स ऑन डिमांड जो मेरा चैनल है वो. मैंने हालांकि मोबाइल से सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सुविधाएँ नहीं है. देखो मेरा माइक मेरे वीडियोस में आपको वो भी लिंक नहीं मिलेगा कि ट्राइपॉड फलाना है, ट्राइपॉड मेरा ये है भाई. सो ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, बट यार अच्छा लग रहा है. 25-26 वीडियोस होगा, जब एक बंदा भी देखता है ना, इट्स लाइक यार हाँ आपने जो किया है, मज़ा आता है. एक्चुअली मज़ा आता है एटलीस्ट. और जो मैं एनालिटिक में देख रहा था यार, 1% लोग, हालांकि 100 में से 1% लोग मेरे US के लोगों ने भी देखा है, हांगकॉन्ग के लोगों ने देखा है, श्रीलंका के लोगों ने देखा है मेरा वीडियो. हालांकि यार क्लिक करके छोड़ दिया होगा, वॉट एवर जो भी किया, देखा तो है ना. तो अच्छा लगता है, आपकी रीच बढ़ रही है, आप दूर दूर तक पहुँचते हैं. सो नए यूट्यूबर्स के लिए मेरा सिर्फ यही एक ज्ञान है जो कि मुझे पता चला है पर्सनली, जो मैं कर रहा हूँ, कि यार अपने कंटेंट पे ध्यान दो आप, और लगे रहो बस डेली डेली डेली, कम से कम 1 साल तक लगे रहो. साला भले 100 सब्सक्राइबर, 200-150 सब्सक्राइबर हो या ना हो. और जो यूट्यूब का जो पॉलिसी है ना कि 1 साल के अंदर आपको 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम करना है, वैसा कुछ नहीं है, सब बोगस है. एक्चुअली सिर्फ 1 साल के अंदर है तो सही यार, लेकिन यूट्यूब में लिखा ऐसा नहीं है कि यही 1 साल में कर देना है.
मतलब आपको किसी भी एक साल में ये माइलस्टोन कंप्लीट करना है। जैसे कि अगर इस साल में 4,000 नहीं कर पाया, मान लो 3,500 हुआ, नेक्स्ट ईयर आपको 4,000 करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर होने में इजी भी है ना, इजी इसलिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, सब कुछ होगा। तो नेक्स्ट ईयर में भी आप ये कर सकते हो, आपको जितना टाइम लेना है यार फील फ्री, बस कंटिन्यू रहो, कंसिस्टेंट रहो, आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो होगा। सबका होता है, सबका होता है, मेरा तो नहीं, मैं क्या बोलूँ यार, अभी तो 100 सब्सक्राइबर है, इतना बोलना भी सही नहीं रहेगा। बट जितना मुझे समझ आया है कि आज मैं 100 पे हूँ, एक महीने पहले मैं 0 पे था, तो बट फाइनली मेरे पास 100 हैं, 100 लोग मुझसे जुड़े हैं और डायरेक्टली 100 लोगों के पास मेरा वीडियो जा रहा है एटलीस्ट। तो लेट्स सी, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे और अगर आप लोग का साथ रहा, सब्सक्राइब करते रहोगे मेरे चैनल, तो यार डेफिनेटली 1,000 भी होंगे, मोनेटाइज भी होगा और एक दिन 1,000,000 भी होगा। इसी के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस मेरे दिमाग में ये है कि कंटिन्यूटी रखना होगा, कंसिस्टेंटली एक हेल्दी कंटेंट आपके चैनल पे आते रहना चाहिए। यही एक शॉर्टकट है, यही एक की है, बाकी वो सब जो डायलॉग बाजी मारते हैं ना यार चैनल पे कि 3 दिन में 1,000 सब्सक्राइबर कर लो, 3 दिन में पूरा व्यू कंप्लीट कर लो, वो सब बकवास है भाई। उनके खुद के तो 60-60 हज़ार, 6-6 लाख, 60-60 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, उनके तो हो ही जाएंगे, बट हमारे क्या। और ये सब डायलॉग बाजी, ये सब बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई बिलीव दैट अ फेलियर स्टूडेंट इज़ अ बेटर टीचर देन अ टॉपर, क्योंकि उसे ये पता है कि साली गलतियाँ हो कर रही है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ मेरे साथ भी है, मुझे ये पता है मैंने गलतियाँ कहाँ की है। टैग वगैरह का जो सीन है यार, टैग जो है ना, आप जो टाइटल रखते हो ना, जो भी टाइटल आप रख रहे हो, उसी टाइटल को घुमा फिरा के चारों तरफ हर टैग में वो टाइटल का जो थीम नेम है ना, वो आना ही चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो डाला था दही हांडी मटकी, वो जो क्या बोलते हो उसको, जन्माष्टमी का दही हांडी का, उसमें मैंने जो टैग डाले ना, दही हांडी 2018, मुंबई दही हांडी 2018, जन्माष्टमी मुंबई दही हांडी 2018, दही हांडी हांडी दही, बस यही कर करके यार पूरा टैग आप भरो, डेफिनेटली डैम श्योर मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि वो सर्च में आएगा। मेरा हालांकि अभी तक आ नहीं रहा है, लेकिन यार बोल तो सकता हूँ शायद आ जाए, क्योंकि कल ही डाला हूँ वीडियो और धीरे धीरे रिसर्च करके पता चल रहा है ये सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। रही बात माइक ट्राइपॉड ये सब फलाना ढिमकाना, वो सब कोई ज़रूरत नहीं है भाई, सैमसंग का ये है हेडफोन, ठीक है, जो मेरे 1400 के फ़ोन के साथ आया था, यही माइक है, मेरे ख्याल से आवाज़ ठीक ठाक सही आ रहा होगा, ठीक है। ट्राइपॉड कुछ नहीं है, ये खिड़की दीवार कहीं भी मोबाइल टिकाओ, ट्राइपॉड हो गया, नहीं तो हाथ पकड़ लो, थोड़ा शेकी होगा, चल जाता है। आपके कंटेंट अच्छे हैं, आपका इंट्रैक्शन लोगों से अच्छा है, तो पब्लिक देखेगी, क्यों नहीं देखेगी, डेफिनेटली देखेगी, भरोसा रखो बस। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि देखे ना देखे, आपको भरोसा होना चाहिए पब्लिक देखेगी। आप जब वीडियो बनाते हो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि नहीं 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 ये वीडियो तो भाई मेरा वायरल होगा। मैं हर वीडियो को सोचता हूँ, भले 15 व्यू क्यों ना आए हर वीडियो पे, बट हर वीडियो को यही सोच के डालता हूँ कि भाई दिस इज़ द वीडियो जो मेरे चैनल को ले जाएगा। अभी भाई अभी रिसेंटली एक और बंदे ने किसी ने सब्सक्राइब किया, टोटल 103 हो गए, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं कि 150 कब होता है, 500 कब होता है, 1,000 कब होता है, 1,000 होते ही मोनेटाइज करेंगे, उसके बाद फिर से आपके सामने एक वीडियो आएगा। यार कैमरे के सामने आने में थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं वैसे वीडियो बना रहा हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं कैमरे के सामने आके बनाऊँ, दैट विल बी गुड फॉर मी ऑल्सो, मेरा थोड़ा इंट्रैक्शन सही रहेगा तो मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। शक्ल तो उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल यार चलो ठीक है, देखते हैं, है ना, शक्ल में क्या, कंटेंट सही होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, मेन जो रीज़न था इस पूरे वीडियो को यही था कि आई वॉन्टेड टू थैंक यू गाइज 100 कंप्लीट करवाने के लिए, ये व्यू कंप्लीट करवाने के लिए, बाकी आगे आगे देखेंगे, साला जो होगा देख लिया जाएगा, है ना। सो लेट्स सी, अगर कुछ होता है गाइस तो डेफिनेटली आई लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम गोइंग टू डू। तो देखते रहिए मेरा चैनल फैक्ट्स ऑन डिमांड, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कुछ ना कुछ तो डालते ही रहूँगा भाई, डोंट वरी, थैंक यू वेरी मच।